Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. 1940 से लेकर 1990 तक सिनेमा जगत में खलनायकी का दूसरा नाम रहे प्राण कृष्ण सिकंदर यानी कि प्राण अपने दमदार अभिनय के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उस दौर में कई सुपरस्टार आए और चले गए, लेकिन विलन के तौर पर प्राण फिल्मकारों की पहली पसंद बने रहे। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। 2020 में फिल्म जगत उनकी 100वीं जयंती मना रहा है। प्राण पहले लाहौर में एक्टिंग किया करते थे, जिसके बाद वो मुंबई आ गए। 50 साल तक सिनेमा के प्राण बने रहे प्राण की 100वीं जयंती पर जानते हैं उनके 10 दमदार किरदार। जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म में राज कपूर, पद्मिनी और प्राण मुख्य किरदार में थे। फिल्म में प्राण ने राका नामक एक डाकू का किरदार निभाया है। वैसे तो वो अपने गिरोह के सरदार का खास होता है, लेकिन ताकत की लालच में वो अपने सरदार का ही कत्ल कर देता है। इस फिल्म के लिए प्राण को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया था। शहीद भगत सिंह पर आधारित इस फिल्म में प्राण के अलावा मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, अनंत मराठे जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। देश प्रेम से ओतप्रोत इस फिल्म में प्राण ने डाकू कहर सिंह का किरदार अदा किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उपकार। साल 1967 में आई इस फिल्म में प्राण ने मनोज कुमार के कहने पर सकारात्मक किरदार निभाया। फिल्म में वे मलंग चाचा के रोल में नजर आए। ये किरदार काफी जज्बाती था, जिससे दर्शकों को रोने पर भी विवश कर दिया। राम और श्याम। दिलीप कुमार ने इस फिल्म में डबल रोल किया था, वहीं प्राण उनके बहनोई बने थे। वो जहां एक तरफ राम के साथ बेरहमी से पेश आते थे, तो वहीं श्याम उन्हें इसका मजेदार सबक सिखाता हुआ दिखता है। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया गजेंद्र का किरदार आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। आंसू बन गए फूल। सत्येंद्र नाथ बोस निर्देशित इस फिल्म में अशोक कुमार, निरूपा रॉय, प्राण और देव मुखर्जी मुख्य किरदार में थे। ये फिल्म एक मराठी नाटक अंशरुचि जाली फुले पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए प्राण ने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। जॉनी मेरा नाम। ये एक क्राइम एक्शन फिल्म है। विजय आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में देवानंद और प्राण एक दूसरे के भाई होते हैं। फिल्म में प्राण के पिता की हत्या हो जाती है। प्राण अपने उस हत्यारे को छोड़ता नहीं है और उसे जान से मार देता है। पूरब और पश्चिम। मनोज कुमार अभिनीत इस फिल्म में प्राण एक बार फिर से खलनायक के अवतार में नजर आए। फिल्म में उन्होंने हर नाम का रोल निभाया है, जो अपने फायदे के लिए भारत के पिता और एक स्वतंत्र सेनानी को धोखा देता है। बेईमान। इस फिल्म के लिए प्राण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था, हालांकि प्राण ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। जंजीर। सलीम जावेद द्वारा लिखी ये फिल्म आज भी अमिताभ बच्चन की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में प्राण ने शेर खान का किरदार निभाया था। फिल्म में दोनों की पहले जबरदस्त टक्कर होती है, फिर दोनों की लड़ाई दोस्ती में बदल जाती है। शराबी। प्रकाश मेहरा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और प्राण मुख्य किरदार में थे। फिल्म में प्राण ने अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया है, जिसके पास काम के चलते अपने बेटे के लिए वक्त नहीं होता है। इसके चलते अमिताभ बच्चन शराबी बन जाता है। फिल्म में दोनों कलाकारों की बाप बेटे की केमिस्ट्री को काफी सराहना मिली थी। गौरतलब है कि प्राण निजी जिंदगी में अपने किरदारों से काफी अलग थे। इस व्यक्तित्व का फिल्म जगत भी कायल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.